आवाज कम करो, मेरे को डिस्टर्ब हो रहा है। बबली वो पढ़ रही है ना? अनंता कुछ हिला क्या है ना मम्मी? कुछ लगा तो मुझे। अरे आप लोगों का बस दिमाग हिल गया है। किसने कहा था आप लोगों को नवरात्रि के पूरे 9 दिन व्रत रखने को? बस चक्कर आ रहे हैं आप लोगों को। वो पंखा हिल रहा है। ओ मम्मी ये तो सही लोगों का आ गया, मैं तो जा रही हूँ। अरे मम्मी बहुत तेज आ गया, चलो आप ही। मम्मी तू रह गया, रील बनाऊंगी। ले उससे चलते हैं, हम लोग 9th फ्लोर पे रहते हैं, जब तक हम नीचे पहुंचेंगे जयराम जी ना हो जाए। मैं तो कह रही हूँ लास्ट टाइम याद करते हैं, क्योंकि मेरे को नहीं लगता हम ऐसे भूकंप से बचेंगे। लगता है रुक गया बेटा, जरा पापा को फोन लगा। हेलो हेलो पापा, कहाँ हो आप, सब ठीक तो है? चिल्लाने के पास कहाँ से? हेलो हेलो पापा, हेलो क्या हुआ, क्या बोला पापा ने? मेरे को ठीक नहीं लग रहा दीदी, कुछ तो अनहोनी हुई है। मम्मी ऑफिस चल रहे हैं पापा के, अभी चलो अभी। अरे बाप रे भैया, सब ठीक तो है ना यहाँ पे? अरे मैडम सुन रहे हैं, कोई नहीं बचा इसमें। खबर सुन के मेरा और अनंता का तो मानो दिल बैठ गया, और उसी पर अनंता ने अपनी इमेजिनेशन दुनिया में पापा के साथ और पापा के बिना के सारे पल याद कर लिए। इसमें भी नहीं है, जब से ये पेटीएम आया ना पतियों की जेब में पैसे निकलना ही मुश्किल है। चलो 100 तो मिले। कहाँ थी तुम दोनों? घर पे दिवाली का इतना सारा काम है और तुम दोनों घूमे जा रही हो? वो चोर मजा आई, चोर अच्छा करा था ना। हाँ बड़ी बढ़िया मूवी थी, बड़ी मजाकिया मूवी थी। चोर चोर कौन और ये क्या है? वो मम्मी हम लोग ना स्ट्रीट शॉपिंग करने गए थे, मिंत्रा और एमेजोन में जो कपड़े मिल रहे हैं ना उससे हाफ प्राइस में मिल रहे हैं बाहर। देखो एक हम ये वाला सूट लाए हैं और एक पिंक लाया और एक ब्लू लाया, मैं तो ब्लू वाला रखूंगी, ब्लू मैं रखूंगी। और इन सब के पैसे कहाँ से आए? सॉरी डूड वो हम नहीं बता सकते। माँ जब पूछती है ना तो बताना पड़ता है, क्योंकि खर्चे का हिसाब मुझे रखना पड़ता है। एक्सक्यूज मी, आपके पैसे? दिस इज पापा के पैसे, एंड पापा के पैसे सबका पैसा। नहीं बता सकते, आज पता चलेगा तुम दोनों को माँ क्या होती है। यहाँ हम तो कुछ ले नहीं पा रहे, तेरे पापा मुझे कोई पैसे वैसे देते नहीं है और तू शॉपिंग कर आयो। हाँ कहाँ से की है बताओ, तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। मेरी बेटियों को मारने से पहले उसके बाप से होकर गुजरना पड़ेगा। अरे मार क्यों रही हो? पापा पापा आपको कसम है सामने से मत हटना, पापा सामने से मत हटना। अरे बताओ तो मेरी पत्नी, आखिर इन बच्चों ने किया क्या है और इन सब के पैसे कहाँ से आए? मारने की जरूरत नहीं है, शॉपिंग के पैसे मैंने दिए थे। अरे वो तो छोड़ो, मकान का किराया दे दिया तुमने इस महीने का। अरे मकान का किराया उसके घंटी बजाने से पहले मिल जाता है। मजा रहे मम्मी कि वो घंटी बजा दे हमारी घर की। अनंत्या नमस्ते। अंकल कैसे हैं आप? नमस्ते बेटा। बेटा किराया नहीं आया घर का अभी? कल आपको पता था कि मेरी सपोर्ट नहीं चल रही। हमें पता है आपकी मम्मी बहुत मेहनत कर रही है, लेकिन बेटा हमें भी तो आगे देखना है ना, हमारा दूसरा घर है उसकी ईएमआई जाती है, अब आप जो पैसे देते हैं उससे हम अपनी ईएमआई भर देते हैं। अंकुर जी के जाने के बाद हम समझ सकते हैं आप लोग का क्या बीत रही है, पर बेटा हमारा एक ही निवेदन है, घर खाली खाली। अंकल दीदी प्लीज, हाँ अंकल आपको अपनी घर की चाबी मिल जाएगी, बुरे दिन कभी बता के नहीं आते हैं, आज भेजवा।
मैं 2 दिन बाद आता हूँ, खाली कर देना, तो बता देना जैसा भी। दीदी आज एक कविता याद आ रही है। आज पता चल रहा है पापा रोटी कपड़ा और मकान है, पापा इस नन्हे से परिंदे का आसमान है, पापा की वजह से हर पल खुशहाल है, पापा से मम्मी की बिंदी चूड़ी और सुहाग है, पापा है तो सारे सपने अपने हैं, पापा है तो सारे बाजार के खिलौने अपने हैं। पापा कहते थे ना डरना नहीं इस जहान से, जीना क्या जीवन से हार के। बबली अनंतिया बेटा चौल में ना एक घर मिला है, थोड़ा छोटा है बट हम लोग मैनेज कर लेंगे क्योंकि बहुत मुश्किल से मिला है बेटा। तो बेटा आप लोग चाबी लेके शिफ्ट कर लेना, मुझे ऑफिस भी जाना बहुत जरूरी है। ठीक है बेटा मैनेज कर लेना। कितनी अच्छी फोटो है ना ये, बट इसमें आप नहीं हो। हाँ मुझे बहुत जलन होती है इस फोटो को देखकर, पर संभाल के रख दे, क्यूट बहुत लगती है। टीवी कहाँ लगा दूँ? जहाँ लगाना है लगा दो, क्योंकि जो टीवी देखते थे वो ही इस दुनिया में नहीं है। याद है पापा जब थे तो टीवी देखने में कितना मजा आता था। हाँ लास्ट सीजन के बिग बॉस में तो कैसा हंगामा हुआ था हमारे घर में। अरे मार इसको, अरे अरे इसको देख जरा ढंग से, क्या है? अरे ये क्या है? अरे इलेक्शन आने वाले है ना, देखना पड़ता है कौन सही है कौन गलत है। अरे पापा ऐसा लग रहा है कि पूरे देश का बोझ आपने अपने कंधों पे उठा रखा है। नहीं नहीं चैनल चेंज करो, नहीं चैनल रिमोट पकड़ लो। अरे नहीं आप इस घर में ना बिग बॉस चलेगा और ना ही डिबेट चलेगा, वर्ल्ड कप आ रहा है मैं वर्ल्ड कप देखूंगी, चलो रिमोट दो मुझे। क्या सुबह से शाम तक तो मैं काम करती रहती हूँ, अब 1 घंटा ही मुझे मिलता है उसमें भी मैं टीवी ना देखूँ। वर्ल्ड कप बाद में, पहले बिग बॉस देखेंगे। रुक जाओ एक काम करते वोट करते और देखते कौन क्या देखेगा। हाँ ठीक है कर लो। करो अनंत्या मैं बिग बॉस देखूंगी। बबली मैं भी बिग बॉस देखूंगी। और पति देव तुम मैं भी बिग बॉस देख लूंगा। बहुत ही पलटू रामू यार, अभी तो तुम्हें डिबेट देखना था, अब तुम लड़कियों के साथ हो गए और तुम्हें बिग बॉस देखना है। बहुत हो गया तुम्हारे ये वोट, अब मैं अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल कर रही हूँ और ये मेरा टीवी देखने का टाइम है, तो बस मैं ही मैच देखूंगी और मैं आ रही हूँ किचन से दूध बंद करके और मैं ही देखूंगी। अब तो रिमोट मिलने से रहा बच्चों, मम्मी को बिजी कर देते हैं ना। कहाँ बिजी करेंगे? फोन पे बुआ को कॉल लगा देते हैं। बुआ को कॉल नहीं, बुआ को कॉल लगाना मतलब 5 मिनट में कॉल खत्म। 5 मिनट भी ज्यादा है, 10 सेकंड हेलो हाय बोलिए, जय माता दी बोलिए, और फिर मासी को लगा दे। चलो बबली दीदी जल्दी अनु मासी को कॉल लगाओ। फोन लगाओ जल्दी से, चलो। हेलो अनु मासी। अरे अनु मासी का फोन है, वो मम्मी को ना आपसे बात करनी थी। हाँ अनु, हाँ हाँ कहाँ दिवाली की तैयारी यार सब ऐसे ही चल रहा है। मम्मी को पता नहीं लग जाएगा कि हमने फोन मिला है। अरे एक बार मम्मी और अनुवासी बात शुरू हुई ना तो बिना टॉपिक के भी 1 घंटे की फुर्सत है। 1 घंटे की नहीं पूरे 2 घंटे की। तो लगाओ बिग बॉस। नहीं अभी मेरी डिबेट चलेगी। हा? यार बाबा कतई थाली के बैंगन निकले यार, एक साइड तो रहा करो किसी। वो साइड में तब लेता हूँ जब मम्मी को अपोज करना होता है। यार बाबा ऐसे नहीं होता, हम तो बिग बॉस देखेंगे। बिग बॉस कौन है?
और बेटा कैसे हो तुम तीनों ही? अबे तक तो सब सही चल रहा तो मामी, बट अब पता नहीं। लाओ बेटा रिमोट इधर लाओ और सत्संग लगा और पब्लिक बंक जाके चाय बनाओ। बस बस हमारे यहाँ केवल सुहागनें ही बैठ चुकी हैं। यार सब्जी रोटी अच्छी बनी है ना? हाँ पहली बार। मामी चलो खाना लग गया है, आप टेबल पे आ जाइए। अरे मम्मी आप भी आ गई? चलो अब सब साथ में खा लेते हैं। हाँ वाह, माँ हमारे अंकुर को खा गई और ये बेटियां चली हमें खाना खिलाने। इसको तो मंगल था, हम बोल रहे थे ये शादी मत करवाओ, अब हो गया अमंगल। मामी अगर अमंगल हुआ है तो हम इसे मंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब मम्मी की दूसरी शादी करा दो। अनन्या क्या बकवास कर रही है बेटा? राम राम राम, पित्ती भर जाती जवान, विधवा की कोई शादी होती है क्या? अरे मामी जब मेरे को पिछली बार सपना आया था ना कि मेरी मम्मी मर गई थी, तो उसमें आप ही थे जो मेरे पापा की दूसरी शादी कराने वाले थे। आज आपको बड़ी हिपोक्रेसी सूझ रही है? तो मतलब आप कह रही हो कि एक आदमी को हक है जीने का, पर एक औरत को दोबारा से हक नहीं है जीने का, है ना? है ना? तुम्हारी मम्मी मर जाती ना तो हम सही में अंकुर की शादी करा देते, लेकिन तुम्हारी मम्मी की शादी नहीं हो सकती। पूरा समाज थू-थू करेगा, तुम लोगों की तो कोई इज्जत है नहीं, पर हमारी एक इज्जत है। हाँ आपका नाम? आपका नाम ना? कहाँ थे आप लोग जब मम्मी घर से निकाला था? कहाँ थे आप लोग जब दीदी को कॉलेज से निकाला था? कहाँ थे आप लोग जब हम लोगों को एक घर नहीं मिल रहा था? कहाँ थे आप लोग जब मम्मी को जॉब नहीं मिल रही थी और हमने इतने कॉल लगाया आपको बट आपने उठाया नहीं? कहाँ थे आप लोग जब मम्मी को स्कूल से निकाल दिया गया था? उस वक्त तो ना समाज था ना आप साथ में थे, आपने तो पीछे मुड़ के भी नहीं देखा मामी। हाँ तो जब तक हमारा लड़का जिंदा था रिश्ता था, अब हमारा लड़का नहीं तो रिश्ता भी नहीं। ठीक है ना, रिश्ता खत्म ना मामी? ठीक है फिर ना, आज से हम आपको जानते हैं ना आप हमें जानती हो। अनन्या मम्मी वो सही कह रही है। तुम ज्यादा मोह नहीं चलाओ, तुमने ही जो मोड़ियों के अंदर दंड भर रखी है। तो मामी अब से आपका रिश्ता हमारे साथ खत्म। जय राम जी। तो हम भी ये चले। मामी बच्ची है बस बोल दिया, क्या किया बेटा ये, एक रिश्ता तो बचा था वो भी लूट के चली गई है। मम्मी ऐसे घुटन भरे रिश्ते से तो अच्छा है हम आजाद हो जाए। अरे छोड़ो मम्मी इन टुच्ची बातों पे ध्यान मत दो, चलो खाना खाते हैं। पहली बार उनसे अच्छा खाना बनाया, आओ मम्मी। एकदम गर्मा गर्म रोटी। अरे वाह इतनी अच्छी दाल और रोटी किसने बनाई? हमने। देखो मम्मी अब आप तो पूरे दिन ऑफिस में रहती हो, लंच आपको कैंटीन का खाना पड़ता है, तो हम लोग घर पे अपने लंच के लिए ऐसी खाना बना लेते हैं। और एक बात आपको याद दिला दूं मम्मी, इतनी तो ट्रेनिंग आर्मी ऑफिसर्स की नहीं होती जितनी आपने हमारी करा रखी है किचन में। याद है मम्मी ये कौन सी सब्जी है? ये ग्वार की फली, और इसको ऐसे नहीं करते, काटते नहीं है, इसको छिलनी से छिलते हैं। ये छिलनी है ना? समझ गए। हाँ, इसको छिलना है पहले। अरे नालायक इसका खून नहीं करना, रात को सब्जी बनानी है। आराम से नजाकत से नेल पेंटी लगानी है महारानी। मम्मी लगता है आटा कम बढ़ गया। ए भगवान आटा कम नहीं पड़ गया बेटा, तूने पानी ज्यादा डाल दिया, अब ना तो उसकी रोटियां बनेगी ना गुलगुले। चल तो मेरा ही नाम रखेंगी कि माँ ने कुछ सिखाया नहीं बेटियों को, और सब लोग कहेंगे कामचोर माँ की कामचोर बेटियां। सत्यानाश हो ना, अब तो सब्जी बनेगी ना रोटी बनेगी। कोई जरूरत नहीं है मेरी बेटियों से काम कराने की, आज की मॉडर्न बेटियां हैं। और काम क्या करना, हम लड़के वालों से काम कराएंगे, लड़का करेगा काम, हमारी बेटियां जॉब करेंगी। पापा लेकिन हम लोग आपको कहीं छोड़ के नहीं जाएंगे। कौन कह रहा है घर छोड़ के जाओ, घर जमाई जाएंगे। और पापा ये सब देख के लग तो नहीं रहा कि खाना बन पाएगा। ऑनलाइन फूड नाम की भी चीज होती है बच्चों, क्या खाओगे पिज्जा? हाँ हाँ पिज्जा मंगवा लेते हैं, एक बर्गर भी। और बीवी तुम? मैं ना रोटी सब्जी खाऊंगी, मैं इनको सुधार सुधार के थक गई हूँ और तुम बिगाड़ो। और हाँ तुम तीनों मिल जाते हो और मैं रह जाती हूँ अकेली। मम्मी किसी दिन ऐसा ना हो कि आप ना सच में अकेली पड़ जाओ। वाओ लग गया सामान, अभी लगा रही हूँ। स्कूल से जल्दी आ गई?
स्कूल ने मेरी छुट्टी नहीं की, मैंने खुद स्कूल की छुट्टी कर दी। ये भी कोई स्कूल है? मैंने तो टीसी ले लिया, अब मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ूंगी। अरे हाँ ना, फालतू की इतनी फीस मांगते रहते हैं, पहले इस एक्टिविटी के पैसे दो फिर उस एक्टिविटी के। तो फिर मैंने एक ही बार में टंटा खत्म कर दिया। और वो मामी भी तो कहती है पढ़ने वाले बच्चे कहीं पे भी पढ़ सकते हैं, तो फिर अब मैं उनको यही दिखाऊंगी कि मैं पढ़ने वाली हूँ और मैं कहीं भी पढ़ सकती हूँ। निकाल के आना स्कूल से यार वो। हाँ बट ठीक है ना, मम्मी के पैसे भी तो बचेंगे। अनिलतया अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम इससे थोड़े से बेटर घर में शिफ्ट हो सकते हैं। मम्मी का फोन आया था, उनका प्रमोशन हो गया है। अनिलतया बेटा, अनिलतया पापा, पापा ठीक तो हो ना? आपको कुछ नहीं हुआ ना? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ पापा। मैंने आपके बिना और आपके साथ दोनों लाइफ इमेजिन कर ली थी। बेटा मैं ठीक हूँ। सीरियसली पापा, बट लाइफ विदाउट डैड ना, इट्स हॉरिबल। चल बेटा तेरी माँ को भी देख लूँ, कहीं वो चूड़ियाँ ना तोड़ रही हो अपनी। क्या यार पापा, इतनी सीरियस सिचुएशन में भी आपको मजाक सूझ रहा है? अरे मजाक ही तो लाइफ है। अरे निशा जिंदा हूँ मैं। तो ये था लाइफ विदाउट डैड। इससे पहले मैंने लाइफ विदाउट मॉम भी किया था और आप लोगों ने उसे इतना प्यार दिया कि मैंने ये वाला वीडियो भी बनाया। और कभी कभी सोच के लगता है कि मम्मी पापा के बिना जिंदगी कितनी मुश्किल होगी, कुछ या तो होंगी ही नहीं। तो अगर आप लोगों को भी अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार है तो जल्दी से इस वीडियो को प्यार दे दो लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर देना। तो मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में जो थोड़ा स्पूकी होगा, हैलोवीन जो आ रहा है। मैं कोई चुड़ैल नहीं बनूंगी। आप पहले से चुड़ैल हो।